पटना में बहुत सारे सेंटर पे नीट 2024 का पेपर लीक हुआ था। ये हर न्यूज़ चैनल हर जगह फैला हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको अभी सबूत दूंगा कि आपके पूरा दिमाग हिल जाएगा कि हाँ ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस एक केस दिखा रहा हूँ शास्त्री नगर का। ठीक है, देखो शास्त्री नगर में क्या हुआ था कि एक दिन पहले बहुत सारे बच्चे मिल के एक दिन पहले पूरा अपना बैठ के क्वेश्चंस का आंसर के साथ रट रहे थे उसको। ठीक है, पुलिस का रेड पड़ा और उन्होंने जल्दबाजी में सारे पेपर जो है उसको जला दिए। ठीक है, तो ये एक रिपोर्टर है जी न्यूज़ के, जो कि वहाँ पे इनको सबको लेके शास्त्री नगर थाने में लिया गया। वहाँ पे ये पेपर के टुकड़े जो भी जले हुए थे, जो बरामद हुए थे, उनको उन्होंने कैसे भी पा लिया और फिर उसको कैमरे के सामने लाइव दिखाया। तो फिर क्या मिला देखो पहले। प्रश्न पत्र जो है वो जले हुए यहाँ पे, और ये देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन पेपर को यहाँ जलाया गया है। पुलिस के लोग जो हैं किसी भी हाल में इसे रिवील नहीं करने देना चाह रहे हैं, और ये जला हुआ प्रश्न पत्र है जो कि थाने में, और तमाम जो प्रश्न पत्र है इस पे कुछ अंकित भी हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न पत्र जो है वो जला दिए गए हैं। ये कुछ साक्ष्य है, देखो ये जो जले हुए पेपर जो ये रिपोर्टर दिखा रहे हैं इनके हाथ में है। मैंने मेरा दिन रात यही काम है कि एक एक क्वेश्चन को शो करना कि हाँ एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। देखो अगर ध्यान से तुम देखोगे क्वेश्चन को तो यहाँ पर लिखा है सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज, यहाँ लिखा है क्लासिकल एग्जाम्पल्स, यहाँ पर लिखा है कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, फिर यहाँ भी इनहिबिशन ही लिखा हुआ है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे डेवलपमेंट लिखा हुआ है, यहाँ भी कंजर्वेशन लिखा हुआ है। तो अगर आपने नीट का पेपर दिया हुआ है और बहुत अच्छे से उसका एनालिसिस किया हुआ तो आपको ये पकड़ में आ जाएगा कि नीट का ही पेपर था जो एक दिन पहले जले हुआ बरामद हुआ था। ठीक है, ये आप अगर इसको मिलाओगे एनसीईआरटी मतलब अपने क्वेश्चन से तो पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यही क्वेश्चन है कि इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज है। ठीक है, और ये क्लासिकल एग्जांपल दे रखा है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन है, इनहिबिशन इनहिबिशन इनहिबिशन, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नीट वाला ही क्वेश्चन था जो कि इन्होंने एक दिन पहले ही जला दिया था, जिसको पुलिस ने बरामद किया था और पुलिस अभी तक इसका जांच कर रही है कि पेपर ओरिजिनल था कि नहीं। तो खुद ये तो मैं यहाँ पे घर बैठे बैठे बता दे रहा हूँ कि हाँ ये पेपर वही है, नीट का ही पेपर है, लेकिन पुलिस अभी तक पता नहीं कर पाई। खुद रिपोर्टर भी बोल रहा है कि पुलिस नहीं चाहती ये बात कि मीडिया में आए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से क्वेश्चन था, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से क्वेश्चन था, यहाँ भी कंजर्वेशन है, यहाँ भी डेवलपमेंट है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन सारे यहाँ पे मैच कर रहे हैं। अगला ही क्वेश्चन था इसके कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो ये सिंपल पता चल रहा है कि सारे पेपर जो है शास्त्री नगर थाने में जो मिले हुए थे वो नीट के ही थे। देखो अगले दिन क्या हुआ कि जब पटना पुलिस ने FIR लिखा उसमें ये साफ मेंशन किया, एक आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया है कि पटना के शास्त्री नगर में DAV पब्लिक स्कूल में पेपर लीक करने वाला गैंग एक्टिव था। इस FIR में एक छात्र का बयान है जिसमें वो बता रहा है कि उसे 4 मई की रात को उत्तर सहित प्रश्न पत्र दिया गया था और याद करने के लिए कहा गया था, और ऐसे 20 से 25 बच्चे थे। ठीक है, लेकिन देखो होता यह है कि ये बच्चे आपको 720 में नहीं दिखेंगे, कोई भी अगर समझदार आदमी को तो बोलेगा कि 720 नहीं लिया, 600 एक अच्छा कॉलेज आपको मिल जाए और आप हाईलाइटेड भी ना हो। और ऐसा ही हुआ, इसीलिए क्या हुआ है कि बहुत सारे ये इन्होंने सब कुछ कबूल रखा है कि हाँ मैंने पेपर हमको एक दिन पहले मिल गया था, DAV पब्लिक स्कूल जो शास्त्री नगर में वहाँ पे ये लीक हुआ था, और ये जी न्यूज़ पे प्रॉपर चलाया गया था, उस पर हर एक चीज़ बच्चों ने कबूला कि हाँ कैसे कैसे सब कुछ हुआ था। सारे वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और इसीलिए क्या हुआ है कि हर एक सेंटर से देखो कोई भी बच्चा अगर 20-25 बच्चे बैठ के पेपर दे रहे हैं तो आपस में शेयर करेंगे अपन दोस्तों को। ठीक है, तो एक बच्चा दो दोस्त करे तो 20-40 कर दिए, अब 40 का मतलब समझ रहे होगा 40-25 6 से 90 ला दें जो कि जेन्यून नहीं है तो कितना ज़्यादा कटअप जो है इंक्रीज़ करेगा। यही हुआ है, इसी एक एक सेंटर पे बहुत ज़्यादा आपको टॉपर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा, देखो NTA ने फाइनल क्लासिफाई दे दिया है कि वो कुछ करने वाला नहीं है, तो देखो अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो अगले साल ऐसा कट ऑफ इंक्रीज़ नहीं करेगा, क्योंकि अब NTA भी और सावधान हो जाएगा, तो पढ़ाई अच्छे से शुरू कर दो। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो। ठीक है, तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक के सबके NCERT हाईलाइट्स अपलोड कर रखे हैं और अगले साल से पेपर बहुत ज़्यादा टफ होगा। ठीक है, NCERT के डीप से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे और रीजन क्वेश्चन होंगे, तो पढ़ाई शुरू कर दो। बाकी ये जो हो रखा है ये बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है, इतना मास स्केल पर चीटिंग हो रहा है क्या बताया जाए। ठीक है, ये साफ दिख रहा है कि हाँ ये नीट का पेपर ही था जो कि जला दिया गया था।